नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ जो यहाँ पर आज मीटिंग हुई थी मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड में, इस चीज को लेकर कि यहाँ पर ओपन बुक एग्जाम और ऑनलाइन एग्जाम को लेकर फाइनल ईयर वालों का क्या करना है, तो उसके बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके पहले अगर आप चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि आने वाले कोई भी अपडेट आप हमारे चैनल से मिस ना कर सके। दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पर जो भी मीटिंग हुई है जो उसका आउटपुट है वो कहीं ना कहीं जो है निराशाजनक सामने निकल कर आ रहा है। आपको बता दें मीटिंग में ये बात की गई है आज कि यहाँ पर सारे कुलपतियों को ये आदेश दिए गए हैं कि भैया जो एग्जाम है उसको ऑफलाइन करवाने के लिए आप लोग अपनी जो तैयारियां हैं उसको जारी रखो, आप लोग जितना कर सकते हो उतना करो, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे फॉलो करवाना है वो आप लोग देखो, ऐसा सब सिनारियो गवर्नमेंट ने जो आदेश है वो कुलपतियों को दिया है। और एक तरफ गवर्नमेंट जो है वो अपना जो लॉकडाउन है वो लगा रही है, यहाँ पर काफी स्ट्रिक्ट तरीके से लॉकडाउन लगाया गया है इंदौर में, 6 बजे के बाद कोई रोड पे दिखना नहीं चाहिए, ये सारा ऐसा कुछ सिनारियो बनाकर यहाँ पर चल रहे हैं कि एक तरफ लॉकडाउन लगा हुआ है कंप्लीट वाला और एक तरफ जो है कि यहाँ पर एग्जाम को लेकर बोला जा रहा है कि ऑफलाइन एग्जाम ही हम करवाएंगे। अब इसके ऊपर ज्यादा कुछ मैं बोलूंगा थोड़ी देर बाद जब मैं आऊंगा लाइव, उसके बाद लाइव में ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बहुत सारी चीजें बात करनी है, तो ठीक है लाइव में मिलते हैं, उसके बाद बात करते हैं इस वाली चीज को आगे बढ़ाकर और फिर देखते हैं कि जो हमने जो भी ज्ञापन दिया है उसके ऊपर क्या चर्चा होगी और उसको किस वे में लेगी सरकार, उस चीजों को देखेंगे और उस चीज के ऊपर बात करेंगे। तो लाइव जुड़ना, लाइव में जुड़ना मत भूलना, 9:15 शाम को अभी थोड़ी देर बाद लाइव होने वाला है, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली जानकारी के साथ, टिल देन जय हिंद वंदे मातरम।